हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का PYQs, और अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा क्या है, हाउ विल यू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन क्लास इन C++, डेमोन्स्ट्रेट। ये हमारा बोला जा रहा है क्वेश्चन, क्या हम अपना खुद का एक्सेप्शन क्लास कैसे बना सकते हैं, वो पूछ रहा है। एक एग्जांपल के हेल्प से उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। और उसके बाद क्या है आगे, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ व्हाट फंक्शन। एक व्हाट मेरा फंक्शन होता है C++, उसका फंक्शनैलिटी क्या है उसके बारे में बताना है, और क्या करना है हमको, एक अपना एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे बनाना है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्या है, हाउ विल यू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन क्लास इन C++, डेमोन्स्ट्रेट। व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ व्हाट फंक्शन इन क्रिएटिंग ओन एक्सेप्शन क्लास। अपना जो हम खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे उसमें व्हाट फंक्शन का क्या रोल है वो भी बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ गाइस? तो चलिए आप सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन में क्या है यार, टू थ्रो ए कस्टम एक्सेप्शन। या जैसा कि आपको मालूम है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग एक है, इसमें क्या होता है, ट्राई ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक होता है, थ्रो ब्लॉक होता है। ठीक है, ये तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी में से यहाँ पे एक लिखा गया है, क्या, टू थ्रो ए कस्टम एक्सेप्शन वी फर्स्ट टू क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन क्लास। अब यहाँ पे जैसे कि आप तीनों का फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे आप क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपना खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहते हैं। खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहते हैं तो वहाँ से कहीं से हमारा एरर थ्रो होगा, कहीं से एरर थ्रो होगा, तो हमको खुद से कहीं से एरर जो थ्रो होगा वो बनाने के लिए हमको खुद का क्या होगा, एक्सेप्शन क्लास बनाना होगा। वही यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद क्या है, दिस क्लास इनहेरिट द, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा क्या है, एक क्या एक्सेप्शन यहाँ पे क्लास है मेरा STD स्कोप रेजुलेशन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्लास है, इससे क्या करेगा, हमारा प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा और वहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। जैसे देखिएगा, दिस क्लास इनहेरिट द स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्लास फ्रॉम एक्सेप्शन हेडर। अब यहाँ पे हम जब भी एक्सेप्शन क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हम एक्सेप्शन हेडर को जरूर करेंगे ताकि वो क्या करेगा, उस क्लास के जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसको इनहेरिट कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी ओवरराइड द व्हाट फंक्शन मेथड ऑफ दिस क्लास टू प्रोवाइड अ कस्टम एरर मैसेज। द लास्ट स्टेप इज टू यूज द यूजर डिफाइंड कस्टम एक्सेप्शन इज आवर कोड। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट फंक्शन का फंक्शनैलिटी, उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट फंक्शन का क्या है यहाँ पे काम है वो देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सब ऊपर हम लिख दिए थे, क्या अपना खुद का एक्सेप्शन क्लास हम बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन क्लास के हेडर को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाए हमारा क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद व्हाट फंक्शन का थोड़ा हिस्सा यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी है उसके बारे में लिखा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट फंक्शन। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम व्हेन एरर और एक्सेप्शन कंडीशन हैपन, जब भी हमारा कोई कंडीशन मैच कर जाता है किससे, जिससे एरर हमारा थ्रो हो पाए, तब वहां पे हमारा ये यूज होता है। जैसे देखिएगा, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम व्हेन एरर और एक्सेप्शन कंडीशन हैपन, सी प्लस इनेबल यूजर दैट क्रिएट देम इज अ ब्यूटीफुल वे टू यूटिलाइज ट्राई थ्रो। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक होता है, थ्रो ब्लॉक होता है, ये सब स्टेटमेंट मेरा होता है। जब भी हमारा क्या एरर मैच करता है, कंडीशन वहाँ पे एक्सेप्शन मैच करता है, तब वहाँ पे ये सब हमारा काम करता है। वन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस मैकेनिज्म इज व्हाट फंक्शन। अब ये तीनों जो यहाँ पे है, इसका एक इसेंशियल कंपोनेंट मेरा है व्हाट फंक्शन, विच इज अ पार्ट ऑफ द एक्सेप्शन क्लास, स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्लास का ये क्या है, पार्ट है। कौन, व्हाट फंक्शन मेरा, एक्सेप्शन व्हाट फंक्शन इन C++ विथ एग्जाम्पल वर्चुअल कॉन्स्टेंट कैर, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, ये उतना जरूरी है नहीं तो इसको छोड़ते हैं गाइस। उसके बाद क्या है, व्हाट फंक्शन अ नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर सीक्वेंस दैट आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन। ये सब उतना जरूरी नहीं है, बस आप ये याद रखिए, मैं जो भी यहाँ पे एक्सेप्शन रिलेटेड ब्लॉक होता है, जैसे यहाँ पे मेरा हो गया ट्राई ब्लॉक, हो गया थ्रो ब्लॉक, हो गया कैच ब्लॉक, हो गया, वैसे ही मेरा व्हाट फंक्शन जो है एक इसेंशियल कंपोनेंट है मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या लिखा गया है, टू मेक यूज ऑफ स्टैंडर्ड व्हाट वन शुड सेटअप द appropriate try and catch block, हम इसका यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, थ्योरी में तो बस थ्योरी से ही बोरी हो जाएगा, एग्जाम्पल लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़े एग्जाम्पल की तरफ, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं व्हाट फंक्शन का मेरा क्या यहाँ पे रोल है। तो यहाँ पे थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं, बस यहाँ पे हमने पढ़ के बता दिया हो गया, आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे।
ठीक है गाइस, अब एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया गया, जब भी आपको क्या होगा, अपना खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाना है, तो खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाना है तो हम इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी कहाँ से, एक्सेप्शन क्लास से। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हम सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड आई स्ट्रीम कर दिए, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन का यूज होगा, इसलिए हमने स्ट्रिंग का भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, हम यहाँ पे खुद का एक्सेप्शन क्लास बना रहे हैं, क्या खुद का एक्सेप्शन क्लास बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिएगा, क्लास माई एक्सेप्शन, अपना क्लास का नाम, किसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, एक्सेप्शन क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। तो पब्लिक पब्लिकली यहाँ पे हम इनहेरिट कर रहे हैं एक्सेप्शन क्लास को, ठीक है, ताकि उसके जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम इनहेरिट कर पाए, उसका यूज कर पाए। ओके गाइस, अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग मैसेज को प्राइवेट रखा है। उसके बाद हमने पब्लिकली यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया है, माई एक्सेप्शन कॉन्स्ट, ये सब लिखने का तरीका होता है, कॉन्स्ट कैर मैसेज। उसके बाद यहाँ पे मैसेज में हमने मैसेज पास करेंगे, ठीक है, मैसेज में हम मैसेज पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा एक्सेप्शन क्लास बन गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट कैर वाट फंक्शन, वाट फंक्शन का यूज देखिएगा यहाँ पे, कॉन्स्ट कैर वाट कॉन्स्ट थ्रो। अब यहाँ पे हम अगर मान लीजिए एरर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, थ्रो करवाएंगे एरर को, एरर को क्या करेंगे, थ्रो करवाएंगे, थ्रो मतलब फेंकना। देखिएगा यहाँ पे तीन चीज होता है, ट्राई थ्रो कैच। ट्राई वो सेगमेंट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा एरर आने का चांसेस रहता है, उसको हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर में देते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर में देते हैं। और थ्रो हम कहीं पर भी दे सकते हैं, जहाँ पे हमको लगेगा हाँ यहाँ पे एरर आ सकता है तो वहां से हम क्या करेंगे, थ्रो एरर कर देंगे। और थ्रो जब कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो कहीं पे कैच करने के लिए चाहिए ना, तो हम ट्राई के बाद क्या करते हैं, कैच ब्लॉक देते हैं, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे एरर मैसेज को, तो मैसेज डॉट, ये हमारा एरर मैसेज एक टाइप का है। ओके, अब यहाँ पे मेन ब्लॉक में आएंगे अपना, मेन फंक्शन में। अब यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं क्या, यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर में क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, क्या माई एक्सेप्शन क्लास जो है उसमें क्या कर रहे हैं, दिस इज अ कस्टम एक्सेप्शन, मतलब हमने खुद का यहाँ पे एक्सेप्शन क्या किया है, कस्टम किया है। तो इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, दिस इज अ कस्टम एक्सेप्शन। जैसे कि आप देखिएगा ये कहाँ है, माई एक्सेप्शन क्लास कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसके यहाँ पे क्या आएगा, जब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो मैसेज में क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा कॉन्स्ट कैर मैसेज करके है, उसमें क्या आएगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कैच ब्लॉक में आएगा, जब यहाँ पे मैच कर जाएगा तो कैच ब्लॉक में माई एक्सेप्शन यहाँ पे एरर को क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा ये वाला प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे देखिएगा वाट फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लर्न करके आपको दिखाते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जाइए बोलो, यहाँ पे समराइज करते हैं। हमने पहले क्या किया है, अपना यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाया है, जिसमें हमने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, किसके प्रॉपर्टी को, एक्सेप्शन क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, थ्रो, ये तीन चीज होता है एक्सेप्शन में, तो वहाँ पे इंक्लूड कर लिए। अब चलिए इसको हम रन करके आपको दिखाते हैं, कार टूट आता है तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आया है, कैच एंड एक्सेप्शन, कैच एक्सेप्शन को क्या किया, कैच, दिस इज ए कस्टम एक्सेप्शन। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या, कैच द एक्सेप्शन, ये पहला मैसेज, कैच एंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को क्या किया है, कैच किया है। यहाँ पे हमने क्या, कौन सा चला, ये वाला चला है, कैच एंड एक्सेप्शन, ठीक है, कैच एंड कैच ब्लॉक है, एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक है, तो कैच किया। उसके बाद क्या कर रहा है, दिस इज अ कस्टम एक्सेप्शन, इसके बाद ये चल रहा है, दिस इज अ कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। मेन फंक्शन में आया, थ्रो किया, थ्रो किया कि तो कैच किया, पहले थ्रो किया उसके बाद कैच किया, तो कैच वाला पहले चला, उसके बाद थ्रो किया, तो ये वाला चलेगा। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा वहाँ पे जो लिखा गया है ना, ये चीज़ जो यहाँ पे लिखा गया है ये पढ़ लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, इसको पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।